लिखेंगे सभी बच्चे मेरे साथ, लिखो भाई ध्यान से। डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब कि अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो किसी गुड्स की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब भाई पहले टॉपिक समझो, टॉपिक है क्या, मेरी बात को समझना। देखो भाई, प्राइस में चेंज होने से अगर सप्लाई में चेंज हो, और चेंज हो ज्यादा कि प्राइस में चेंज हुआ जिससे कि सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ गई या सप्लाई काफी ज्यादा घट गई। भाई प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम सप्लाई कम, लेकिन प्राइस हल्का बढ़ा सप्लाई बहुत बढ़ गई, या प्राइस हल्का सा कम हुआ सप्लाई बहुत कम हो गई। तो प्राइस में चेंज होने से जब सप्लाई में चेंज हो ज्यादा, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जो सप्लाई है वो है मोर सेंसिटिव। मतलब क्या, सप्लाई में ज्यादा ज्यादा चेंज हो रहा है, सप्लाई है मोर सेंसिटिव, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे इलास्टिक सप्लाई। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक सप्लाई। लेकिन प्राइस में चेंज हो रहा है और उससे सप्लाई के अंदर भी चेंज हो रहा है, लेकिन सप्लाई में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना तो हम सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ना सप्लाई बहुत ज्यादा, प्राइस बढ़ गए लेकिन सप्लाई इतनी नहीं बढ़ी, या प्राइस कम हो गए सप्लाई इतने कम नहीं हुआ। तो जब प्राइस में चेंज हो और सप्लाई में चेंज ज्यादा ना हो, चेंज हो कम, चेंज हो लेस, इट मीन्स क्या, जो हमारी सप्लाई है वो है लेस सेंसिटिव। जो हमारी सप्लाई है बच्चों वो कैसी है? लेस सेंसिटिव। तो उस वाले केस में बोलूंगा इन इलास्टिक सप्लाई। तो सिंपल हिंदी में मेरी बात को समझ लो, जब प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में चेंज हो ज्यादा उसको बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई, और जब प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में चेंज हो कम उसको अपन लोग बोलते हैं इन इलास्टिक सप्लाई। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं? अब कौन कौन से फैक्टर है जहां पे देखते हैं अपन लोग हमारी सप्लाई रहेगी इलास्टिक या फिर सप्लाई रहेगी इन इलास्टिक सिंपल? तो देखो भाई, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है अपना नेचर ऑफ द कमोडिटी। जो अपना सबसे पहला फैक्टर है बच्चों वो कौन सा है? नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर, ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर। देखो भाई सुनो, जो कमोडिटी है ना हमारे पास वो दो टाइप की होती है। एक तो मैंने बोला ड्यूरेबल गुड्स, मतलब जो लंबे समय तक चलती है, तो एक तो बच्चों मैंने बोला ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक चल जाती है, जैसे कि इसमें आपका आ गया टीवी, इसमें आपका आ गया एसी, इसमें आपकी आ गई कार, इसमें आपके आ गया बाइक एक्सेट्रा। और बच्चों एक होती है अपनी पेरिशेबल गुड्स। बेटा पेरिशेबल गुड्स वो होती है जो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो जल्दी ही खराब हो जाती है, जिसको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि आपका हो गया फूड आइटम्स, ठीक है, आपकी हो गई वेजिटेबल्स, ठीक है, ये आपके हो गए फ्रूट्स। तो ये जल्दी खराब हो जाते, इनको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। अब मेरी बात को सुनना समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, आप कंसेप्ट समझते हो भाई। जो पेरिशेबल गुड्स है ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में सप्लायर वेट नहीं करेगा कि जब महंगा सामान बिकेगा मैं तभी बेचूंगा। भाई मान लो मैं जो है मार्केट में जो है मैं वेजिटेबल सेल करता हूं, अब भाई मेरे पास जो है टोमेटो सेल करने को है, अब मान लो इस समय टोमेटो के प्राइस मार्केट में चल रहे कम, तो क्या मैं प्रॉफिट को देखते हुए कि यार प्राइस कम चल रहा है मैं सप्लाई ना करूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पेरिशेबल आइटम है, इस वाले केस में क्या होगा, प्राइस मेरे को भले ही कम मिले, प्राइस मुझे कम मिल रहा है, लेकिन मेरे को तभी सप्लाई करनी पड़ेगी। प्राइस कम मिलने पर मैं अपनी सप्लाई काफी कम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने प्राइस के कम मिलने पर इसको मार्केट में अभी सेल नहीं किया तो दो दिन बाद तो ये खराब हो जाएगी,
फिर तो कोई फायदा ही नहीं है इनका। तो पेरिशेबल गुड्स तो वो हो गई जिसके प्राइस काफी बढ़ जाए या काफी घट जाए, मैं इसको टाइम पर मेरे को बेचना पड़ेगा, मैं चाहकर भी इसकी सप्लाई ज्यादा नहीं कर सकता भाई, मैं उतने ही टमाटर लेके आऊंगा जितने 2 दिन के अंदर सेल हो जाए, मैं चाहकर भी सप्लाई ज्यादा नहीं कर सकता, और प्राइस के कम होने पर भी मैं सप्लाई रोक नहीं सकता। तो ना तो मैं सप्लाई काफी कम कर सकता कि भाई प्राइस बहुत कम मिल रहा है मैं नहीं बेच रहा भाई खराब हो जाएगा, और ना तो मैं सप्लाई बहुत ज्यादा कर सकता कि मैं ज्यादा लेके आ जाऊं और मार्केट में मैंने 2 दिन के अंदर नहीं बेच पाया तो मेरे खराब हो जाएंगे। तो ऐसे केस में सप्लाई ना तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना बहुत ज्यादा घट रही है, सप्लाई एक लिमिट में है कि एक लिमिट के अंदर ही मैं इसको बेचूंगा बिकॉज अदरवाइज मेरे खराब हो जाएंगे। तो पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई ना तो बहुत ज्यादा बढ़ती है ना ही बहुत ज्यादा घटती है, इसकी अपनी बच्चों सप्लाई होती है इन इलास्टिक। पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई क्या होती है? इन इलास्टिक। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स में क्या होता है? ये खराब नहीं होती, ये गुड्स खराब नहीं होती, जैसे ही इसके प्राइस कम हो गए मैं इसको कम बेचूंगा, बेचूंगा ही नहीं। जैसे ही ड्यूरेबल गुड्स के प्राइस कम हो गए मैं इसको कम बेचूंगा, मैं बेचूंगा ही नहीं। अरे भाई जब प्राइस बढ़ जाएगा तभी बेचूंगा ना, ये कौन से मेरे खराब हो रहे हैं, एसी कार टीवी कौन से मेरा खराब हो रहा है? तो प्राइस कम सप्लाई काफी कम कि भाई मैं नहीं बेच रहा, ठीक है खराब थोड़ी हो रहे हैं, और प्राइस ज्यादा सप्लाई बहुत ज्यादा। तो इस वाले केस में क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स वाले केस में प्राइस के कम होने पर हम सप्लाई बहुत कम कर देते हैं कि मैं अभी नहीं बेच रहा खराब थोड़ी हो रहा है, रखा रहेगा मैं 2 महीने बाद बेच लूंगा लेकिन मैं लॉस में नहीं बेचूंगा। लेकिन वेजिटेबल्स में क्या होता है, प्राइस कम है तब भी सेल करना पड़ेगा वरना वेजिटेबल्स खराब हो जाएगी। तो वहां तो पेरिशेबल में क्या होता है, सप्लाई को ज्यादा कम या नहीं कर सकते तो इनलास्टिक। लेकिन इस वाले केस में क्या है, प्राइस कम सप्लाई कम कर दूंगा बाद में बेचूंगा जब प्राइस बढ़ जाएगा। इट मींस यहां पे अपनी सप्लाई है बच्चों कैसी, यहां पे अपनी सप्लाई हो गई इलास्टिक। बताओ कि आपको पहला पॉइंट क्लियर है, तो नेचर ऑफ द कमोडिटी का अपने आपको पहला पॉइंट क्लियर है, कौन से गेट कौन से केस में सप्लाई होगी इलास्टिक और कौन से केस में इन इलास्टिक। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों वो है टाइम पीरियड। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या है, ये सेकंड पॉइंट है टाइम पीरियड, ठीक है। देखो भाई अब सुनो, टाइम पीरियड वाले केस में क्या होता है, टाइम पीरियड 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों शॉर्ट पीरियड, ठीक, और बच्चों एक होता है आपका लॉन्ग पीरियड। एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड, और आपको नॉलेज के लिए मैं एक और बताऊं, एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसको अपन लोग हम लोग कभी कभी मार्केट पीरियड भी कहते हैं, उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट मार्केट पीरियड, ठीक है। चलो समझना बात को बहुत ध्यान से, ठीक है, बात को बहुत ध्यान से अपन लोग समझेंगे। देखो भाई, भाई शॉर्ट पीरियड माने कम समय। अब जब मेरे पास समय कम है तो क्या मैं कम समय के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा कर सकता हूं? नहीं जी, जब मेरे पास समय कम है, आपने बोला 2 महीने के 2 दिन के अंदर, मेरे पास वो समय कम है 2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर मेरे को 50 किलो टमाटर चाहिए, भाई कैसे पॉसिबल है? टमाटर को उगने में टाइम लगता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने। अगर आप मुझसे बोलो 15 दिन के अंदर मेरे को 50 किलो टमाटर चाहिए, तो क्या शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं आपको सप्लाई ज्यादा कर पाऊंगा? नहीं, शॉर्ट टाइम पीरियड में हम चाहकर भी सप्लाई ज्यादा नहीं कर सकते भाई, हर चीज को बनने में टाइम लगता है। तो अगर आप मुझसे बोलो कम समय के अंदर मेरे को इतना सारा माल बना कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर समय कम है तो माल तो बन जाएगा लेकिन ज्यादा बन नहीं पाएगा, इट मीन सप्लाई तो बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई में ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर हम सप्लाई में ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, सप्लाई थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। और मैंने बताया जब सप्लाई में चेंज ज्यादा ना हो पाए तो उसको बोलते हैं क्या, इन इलास्टिक। लेकिन लॉन्ग पीरियड मेरे को एक साल का टाइम दे दिया, अब 1 साल के अंदर तो बहुत सारा माल बनाकर दे दूंगा मैं, लॉन्ग पीरियड बहुत सब टाइम दे दिया तो 1 साल के अंदर तो बहुत सारा मैं माल बनाकर दे दूंगा, जिसमें क्या होगा, जिस केस में सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो मैंने आपको बता रखा है जब सप्लाई में चेंज ज्यादा ना हो पाए, सप्लाई बढ़ी लेकिन हल्की सी बढ़ी, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। तो शॉर्ट पीरियड में सप्लाई काफी कम बढ़ती है तो शॉर्ट पीरियड में अपनी सप्लाई बच्चों होती है इन इलास्टिक, लेकिन लॉन्ग पीरियड में सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ सकती है तो इलास्टिक। लेकिन एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, काफी कम समय, 1 दिन का समय दिया बस, तो उस केस में सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती। 1 दिन का समय दिया कि भाई मेरे को आज आज का समय कल बना के दो, तो सप्लाई बढ़ना बहुत मुश्किल है।
और जब सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ती, उस केस में जब सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ती तो उस केस में ES होता है जीरो, इलास्टिसिटी होती है जीरो, जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ, जब सप्लाई बढ़ी नहीं तो इलास्टिसिटी होती है जीरो, और जब इलास्टिसिटी होती है जीरो उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारी सप्लाई बच्चों होती है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। कैसी होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो यहां पे मैंने आपको जो है टाइम पीरियड का बताया कि टाइम पीरियड में अपन लोग जो है सप्लाई को कैसे कैसे होती है, कौन से केस में क्या होता है। चलिए दो पॉइंट हो गए जी, अब बढ़ते हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट। सुनो मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। देखो भाई, अगर आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ या प्राइस के बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट भी मेरी लगातार बढ़ रही है, देखो भाई मान लो प्राइस बढ़ा मेरा 20% से और मेरी कॉस्ट भी बढ़ गई 20% से, मतलब जितना मेरा प्राइस बढ़ा उतना मेरा खर्चा भी बढ़ गया, समझ में आ, जितना मेरा प्राइस बढ़ा उतना मेरा खर्चा भी बढ़ गया। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूं, अगर मैं आपको थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूं तो एक काम करो, अपन लोग अब अच्छा एग्जाम्पल ही लेते हैं, ठीक है, समझना बात को बहुत ध्यान से। मान लो यहां बनाते केस, केस वन, ठीक है, मान लो यहां लिखी मैंने कॉस्ट, यहां लिखा मैंने प्राइस और यहां लिखा मैंने प्रॉफिट। कोई चीज मान लो 20 की बनती थी, उसको मार्केट में मैं 30 का बेचता था तो मैं 10 का ही तो प्रॉफिट कमाता था, 20 का बना 30 का बेचा 10 का प्रॉफिट। अब मान लो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, भाई लेबर महंगा हो गया, भाई जमीन का किराया महंगा हो गया, भाई इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो मान लो कॉस्ट बढ़ी और मेरे प्राइस बढ़े। अब जितने प्राइस बढ़े उतनी कॉस्ट बढ़ी, मान लो प्राइस 30 से बढ़ के हो गए 40, मैंने माना कि 10 रुपए से मेरे प्राइस बढ़े और फिर मेरी कॉस्ट भी 20 से हो गई 30, 10 रुपए से मेरी कॉस्ट बढ़ी, क्या मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, तो गलत बात है ना। अगर प्राइस बढ़ने चाहिए, आपको याद होना चाहिए हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, वो मोटिवेट होगा, सप्लाई ज्यादा करेगा। लेकिन इस वाले केस में जैसे ही हमने गुड्स का प्राइस बढ़ाया पीछे से कॉस्ट भी बढ़ गई, तो जब प्रोडक्शन में प्राइस के बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ती है तो हमको भी प्रॉफिट नहीं होता। मैंने सोचा अब थोड़ा महंगा माल बेचता हूं, थोड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा, जैसे ही मैंने प्राइस बढ़ाया पीछे से कॉस्ट बढ़ गई, खर्चा ही बढ़ गया, तो पहले प्रॉफिट 10 का अब भी प्रॉफिट 10 का, क्या मेरी सप्लाई बढ़ी? क्या मेरी सप्लाई बढ़ी? सप्लाई नहीं बढ़ी। अगर प्रॉफिट मेरा बढ़ता तो मैं मोटिवेट होता, सप्लाई ज्यादा करता, क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ा? नहीं बढ़ा। जब मेरा प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं बढ़ा, जब मेरा पहले भी प्रॉफिट 10 अब भी प्रॉफिट 10, जब मेरा प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं बढ़ा तो मैं क्या मोटिवेट होऊंगा? मोटिवेट होऊंगा ही नहीं। तो मैं क्या सप्लाई ज्यादा करूंगा? सप्लाई में ज्यादा करूंगा ही नहीं, बिकॉज मैं तो मोटिवेट तब होऊंगा ना जब मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट तो बढ़ा ही नहीं, मैं मोटिवेट हुआ ही नहीं, सप्लाई में ज्यादा करूंगा ही नहीं। और जब मैं सप्लाई ज्यादा नहीं करूंगा तो इस केस में सप्लाई रहेगी मेरी इन इलास्टिक। तो मतलब प्रोडक्ट कि मतलब कहने का यह है, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिखूंगा कि when cost rises with rise in price, कि जैसे ऐसे कॉस्ट बढ़ी वैसे वैसे प्राइस बढ़े, तो इस केस में सप्लाई रहेगी हमारी इन इलास्टिक। कैसी? इन इलास्टिक। समझ में आ गया। अब आओ केस नंबर टू। केस नंबर टू, मान लो यहां पे लिखा मैंने कॉस्ट, यहां पे लिखा मैंने प्राइस और यहां पे लिखा मैंने अपना वही प्रॉफिट, ठीक है। अब समझना, कॉस्ट 20 रुपए थी, प्राइस 30 रुपए था,
10 का प्रॉफिट हो रहा था। अब प्राइस को मैंने बढ़ा के 40 कर दिया, लेकिन कॉस्ट मेरी अब भी 20 की 20 है। भाई प्राइस को 30 से बढ़ा के मैंने 40 कर दिया, लेकिन पीछे से मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ी, तो बताओ 20 का बना 40 का बेचा, अब प्रॉफिट 20 का होगा। अब देखो यहां पे प्रॉफिट बढ़ गया, अब मजा आ रहा है भाई। पहले 10 का प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट 20 का हो गया, अब मैं होऊंगा मोटिवेट। और जैसे ही मैं मोटिवेट होऊंगा, मैं सप्लाई करूंगा ज्यादा। यार प्रॉफिट हो रहा है, माल बेचो, प्रॉफिट हो रहा है, सप्लाई करो, मैं सप्लाई करूंगा ज्यादा। और जब मैं सप्लाई करूंगा ज्यादा, तो इसको बोलूंगा इलास्टिक सप्लाई। बताओ समझ में आया? तो यहां पे मैं बोलूंगा व्हेन, व्हेन कॉस्ट डज नॉट राइजेज, व्हेन कॉस्ट विद राइज इन प्राइस, कि प्राइस तो बढ़ा लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ी, तो कॉस्ट नहीं बढ़ी, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लायर मोटिवेट होगा, मोटिवेट होगा सप्लाई ज्यादा करेगा, सप्लाई ज्यादा करेगा तो सप्लाई आपकी रहेगी क्या? सप्लाई बच्चों आपकी रहेगी इलास्टिक। समझ में आ गया? तो थर्ड पॉइंट था आपका क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो एक पॉइंट, दो पॉइंट, अपने के तीन पॉइंट तो हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको थर्ड एग्जाम, थर्ड पॉइंट क्लियर है? ठीक, अब बढ़ते हैं अपने बच्चों फोर्थ पॉइंट की ओर। चलिए, जो बच्चों अपना फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द इनपुट। अरे इनपुट का मतलब होता है, इनपुट का मतलब यहां पे है जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल, या मान लो आप लेबर मान लो, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है वो चीज जो हमने प्रोडक्शन में यूज करी। इनपुट का मतलब क्या होता है बच्चे? इनपुट का मतलब होता है वो चीज जो हमने अपने प्रोडक्शन में यूज करी। अब देखो नेचर ऑफ इनपुट ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है वो इनपुट जो इजीली अवेलेबल है, एक तो ऐसे इनपुट जो मेरे को इजीली अवेलेबल है, और एक ऐसे इनपुट जो मेरे को नॉट इजीली अवेलेबल, जो मेरे को आसानी से अवेलेबल नहीं होते। अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान। देखो भाई, अगर कोई इनपुट, कोई कच्चा माल मेरे को इजीली अवेलेबल है, तो मैं जब चाहूं तब उसकी सप्लाई बढ़ा सकता हूं, मैं जितना चाहूं उतना माल बेच सकता हूं, बिकॉज वो मेरे को इनपुट, वो कच्चा माल आसानी से मिल रहा है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि फर्नीचर, अब लकड़ियां बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो कोई मुझे फर्नीचर का ऑर्डर देगा तो मैं जल्दी ही उसको जितना माल बोलेगा उतना माल बना के मैं बेच दूंगा, बिकॉज जो वुड है, जो लकड़ी है, वो इजीली अवेलेबल है। तो ऐसा इनपुट जो इजीली अवेलेबल हो, तो उस वाले केस में क्या होता है, सप्लाई में ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है। तो जब मैं सप्लाई ज्यादा कर सकता हूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा इलास्टिक सप्लाई। लेकिन ऐसा कोई इनपुट जो इजीली अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई इनपुट जो इजीली अवेलेबल नहीं है, मान लो मैं ऐसी दवाई बनाता हूं जिसकी जो जड़ी बूटी है वो मुझे कश्मीर में जाके मिलती है, मैं ऐसी मेडिसिन बनाता हूं जिसकी जड़ी बूटी मुझे कश्मीर में जाके मिलती है। अब बताओ कि यहां पे जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट है, क्या वो इजीली अवेलेबल है? नहीं, वो इजीली अवेलेबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं क्या उस दवाई की सप्लाई जितनी चाहूं उतनी कर सकता हूं? नहीं, मैं जब कश्मीर जाऊंगा तो वहां से रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, और जितना मैं रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, मैं केवल उतना ही माल बना पाऊंगा। जैसे ही वो मेरा रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए अगेन कश्मीर जाना पड़ेगा। तो ऐसा इनपुट जो इजीली अवेलेबल नहीं है, उसकी सप्लाई मैं जब चाहे तब नहीं कर सकता, और जितनी चाहे मैं उतनी सप्लाई नहीं कर सकता। यहां पे सप्लाई करने में टाइम लगेगा, यहां पे सप्लाई मैं केवल थोड़ी थोड़ी कर सकता हूं, बिकॉज इसके लिए रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो जब रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल नहीं है, सप्लाई करूंगा थोड़ी थोड़ी, और जब सप्लाई में चेंज केवल थोड़ा थोड़ा होगा, तो उसको बोलूंगा एन इलास्टिक सप्लाई। बताओ क्या आपको फोर्थ पॉइंट क्लियर है? पक्का? अच्छे से? ठीक, अपने बढ़ते फिफ्थ पॉइंट की ओर, जिसका नाम है
रिस्क टेकिंग, ठीक है, जिसका नाम है रिस्क टेकिंग। ठीक, सुनो ये पॉइंट क्या बोलता है जी, जी 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 ये पॉइंट बोलता है देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक तो वो जो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकर, एक तो वो होते हैं जो रिस्क लेते हैं जिनको बोलते हैं रिस्क टेकर, और एक नॉट द रिस्क टेकर, वो लोग जो रिस्क टेकर नहीं होते। तो एक तो होते हैं वो लोग जो रिस्क ले सकते हैं और एक वो लोग जो रिस्क टेकर नहीं होते। सुनो, अब जो व्यक्ति रिस्क टेकर नहीं है, भाई मैंने नई नई दुकान खोली और मेरे को रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो क्या मैं एकदम से ही अपनी दुकान में बहुत सारा माल भर लूंगा? नहीं, मैं सप्लाई थोड़ी थोड़ी करूंगा। मैंने नई नई दुकान खोली, क्या मैं एकदम से ही 500 की 500 किताबें ला रख दूंगा? नहीं भाई, मैं पहले 10 किताब लेके आऊंगा, जब वो 10 सेल हो जाएगी फिर मैं अगेन 10 लेके आऊंगा, फिर वो 10 सेल, फिर मैं अगेन 10, मैं हौले हौले सप्लाई करूंगा, मेरे को रिस्क लेना पसंद नहीं है। तो जो लोग रिस्क नहीं लेते वो सप्लाई करते हौले हौले, इतना खत्म हो गया, अब मैं और लेके आऊंगा, थोड़ा थोड़ा माल लेके आऊंगा, सप्लाई करूंगा थोड़ी थोड़ी, और जब मैं सप्लाई करता हूँ थोड़ी थोड़ी तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक सप्लाई। तो जो लोग रिस्क टेकर नहीं होते कि भाई मेरा लॉस ना हो जाए, मैं कम कम सामान लेके आऊंगा, लेकिन जो लोग रिस्क टेकर होते हैं कि छोड़ने देखा जाएगा, एक बार में ही 100 किताब रख ले, छोड़ना देखा जाएगा, वो रिस्क टेकर है कि बिक जाएगी। तो वो कहते क्या है, वो बार बार नहीं कि हौले हौले 10 किताब, वो एक बार में ही 100 किताब बनवा ली, वो 100 किताब लेके आ गए, अब उसको बेचते रहेगी, क्या पता 100 किताब में से 10 भी ना बिके, क्या पता 100 की 100, वो रिस्क टेकर है। तो जो रिस्क टेकर होते हैं वो एकदम से ही सारा माल लेके आ जाते हैं कि देखा जाएगा, वो इकट्ठी ही सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो जो रिस्क टेकर होते हैं, जब इकट्ठी इतनी सारी सप्लाई बढ़ा दी, एक बार में 100 किताबें लेके आ गया, तो सप्लाई बहुत बढ़ गई। जब सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए, अब आखिरी पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, 6 पॉइंट, जो कि है अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। अब सुनो, फैसिलिटीज का मतलब है प्रोडक्शन फैसिलिटीज। ठीक है, फैसिलिटीज का यहां पर बच्चों मतलब क्या है, फैसिलिटीज का यहां पर मतलब है प्रोडक्शन फैसिलिटीज। ठीक है, आओ समझते हैं इस बात को। देखिए भाई, प्रोडक्शन में दो चीज होती है, प्रोडक्शन में कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती है जो हमको जल्द ही मिल गई। ठीक है, तो प्रोडक्शन में एक कुछ सुविधा ऐसी होती है कि जब भी मेरे को उसकी नीड पड़ी वो चीज मेरे को मिल गई, ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी मेरे फॉर्म में है कि जैसे ही मेरे को इस चीज की नीड पड़ी, जैसे ही मुझे कच्चे माल की नीड पड़ी, कच्चा माल तुरंत मिल गया, जैसे ही मुझे जो है मान लो मशीन की नीड पड़ी, मशीन तुरंत मिल गई। तो कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती है जो हमको जल्दी ही मिल जाती है। तो सुनो, अगर फैसिलिटीज मोर है, अब ऐसे बोल लो कि अगर आपके पास फैसिलिटीज प्रोडक्शन में फैसिलिटीज ज्यादा है और एक तरफ लेस फैसिलिटीज, आपके पास प्रोडक्शन में फैसिलिटीज कम है, आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, अगर प्रोडक्शन में मेरे पास ज्यादा फैसिलिटी है, ज्यादा मेंबर है, ज्यादा लोग है, कच्चा माल एकदम से आ जाता है, एकदम से ही जो है लोग बुलाने पे आ जाते हैं, एकदम से ही मशीन ठीक करने वाला आ जाता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मैंने जो है प्रोवाइड कर रखी है कि ज्यादा लेबर है, ठीक है, ज्यादा मशीनें हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल टाइम पे मिल जाता है, मशीन खराब हुई तुरंत नया बंदा आ जाता है। तो अगर मेरे पास ज्यादा फैसिलिटीज है, सारी सुविधा है, तो प्रोडक्शन में ज्यादा कर सकता हूँ, सप्लाई में काफी बढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरे पास फैसिलिटीज कम है, मेरे पास सुविधाएं कम है, मेरे पास लेबर कम है, मशीन खराब होती है तो दो दिन में बंदा आता है, बाहर से आता है, मेरे पास फैसिलिटीज कम है, लेबर कम है, मशीनें कम है, मशीन खराब होती है, जल्दी पर्सन नहीं आता, रॉ मटेरियल आने में टाइम लगता है, तो अगर मेरे पास फैसिलिटीज कम है, सुविधाएं कम है, तो प्रोडक्शन को मैं ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, बिकॉज हमारे पास फैसिलिटीज ही कम है, तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो जब फैसिलिटीज कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई इन इलास्टिक ज्यादा चेंज नहीं हो पा रहा, लेकिन
जब फैसिलिटीज काफी ज्यादा है तो प्रोडक्शन का लेवल मैं काफी बढ़ा सकता हूँ, और जब सप्लाई मेरी काफी बढ़ जाएगी तो उसको बोलते इलास्टिक, समझ में आ रहा है ना, जब सप्लाई में चेंज हो काफी ज्यादा इलास्टिक, चेंज हो काफी कम इन इलास्टिक। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है 6 पॉइंट पढ़ाए, जहां पर मैंने बताया कौन से केस में सप्लाई आपकी रहेगी इलास्टिक और कौन से केस में सप्लाई आपकी रहेगी इन इलास्टिक। बताओ क्या आपको इतने पॉइंट्स क्लियर है, क्या आपको ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर है अच्छे से एकदम। तो यहाँ पे बच्चों हमारा सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है खत्म। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक आखिरी टॉपिक इस यूनिट का, इस चैप्टर का, जो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, इसको जितना पढ़ाया बच्चों रिवाइज करके आना। अब आप डिमांड और सप्लाई दोनों पढ़ के आओगे, बिकॉज अगली क्लास में इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में डिमांड और सप्लाई दोनों को हमको मिक्स करके पढ़ना है। ठीक है जी, तो चलिए बड़ा आज के लिए इतना काफी है, अब मैं आपसे मिलता हूं आपकी अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलिए।